जिस राफेल की दहाड़ से कांप उठता है पूरा चीन, अब फ्रांस देने वाला है भारत को राफेल का भी बाप। भारत रवाना होगा ऐसा ब्रह्मास्त्र, पूरा विश्व होगा रडार पर। 12,000 किलोमीटर तक दुनिया का कोना कोना होगा जद में। एक बटन दबा और पूरा देश साफ, हैरान हो जाएगा चीन। जी हाँ दोस्तों, चीन ने भारत के साथ लद्दाख में तनाव को बढ़ा दिया है और उसके बाद तो अब वहां पर हालात बहुत ही विकराल होते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहां पर चीन की दाल बिल्कुल भी नहीं गलने वाली है, क्योंकि भारत ने अब पूरे बॉर्डर के ऊपर ऐसी तैयारी कर दी है कि चीन की हालत खराब होने वाली है। बड़ी बात तो यह है कि जिस पेंगोंग झील पर भारत के साथ उसने तनाव पैदा किया है, वहां पर चीनी सेना भारत के हाथों पिट करके अब पीठ दिखा करके भागने वाली है। तो वहीं दोस्तों, चीन ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग को कब्जाने के लिए घुसपैठ की कोशिश भी की है, लेकिन वहां भी हमारी सेना के हाथों वो बुरी तरह से पिट चुका है और अब उसने रुक किया है अक्साई चीन में। हालांकि दोस्तों, ये भी वही इलाका है जिस पर उसने 1962 में कब्जा कर लिया था और यहाँ पर अब उसने सुरंगों का जाल बिछाना शुरू कर दिया है। और बड़ी बात तो यह है कि वो अपनी न्यूक्लियर मिसाइलों का पूरा साइलो यहाँ पर डिप्लॉय कर रहा है। जिन मिसाइलों को वो यहाँ डिप्लॉय कर रहा है वो बेहद खतरनाक हैं, लेकिन दूसरी ओर भारत ने भी तगड़ी तैयारियां कर ली हैं, क्योंकि दोस्तों भारत खुद चाहता है कि वो एक तरफ अक्साई चीन और दूसरी तरफ पीओके को अपने अंदर फिर से मिला ले। और सेना इसके लिए पूरी तैयारी भी कर चुकी है और यहां तक कि सेना के बड़े अधिकारियों ने क्लियर कट इंडिकेशंस दे दिए हैं कि जल्द भारत के दोनों इलाकों को वापस लेने का प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा, एक्शन स्टार्ट होगा और सेना इसके लिए तैयार है। दोस्तों आपको बता दूं कि अक्साई चीन पर चीन की हालत कोई ज्यादा ठीक नहीं है। उसके सैनिक यहां पर हर दिन बीमार होते हैं, हर दिन मर रहे हैं और इनका रोटेशन पीरियड भी है वो बहुत ही कम है। यानी कि एक और भारत के जो सैनिक हैं वो 6-6 महीने तक वहां लगातार बने रहते हैं, तो दूसरी ओर चीन को अपने सैनिकों को केवल 24 घंटे के अंदर ही यहाँ से रोटेट करना पड़ता है। अगर वो रोटेट नहीं करता है तो उनके सैनिकों की लगातार मौत होना शुरू हो जाती है और वो लगातार बीमार पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। दोस्तों चीन चाहता है कि यहाँ पर अगर वो भारत से भिड़ा तो उसका पिटना तय है, क्योंकि दुनिया के अंदर वो पहले भी ऐसे भद पिटवा चुका है। इसी नहीं दोस्तों, चीन ने भारत को जली सीमा से घेरने की भी एक बड़ी प्लानिंग की है। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से चीन के जासूसी पोत हिंद महासागर में चक्कर लगा रहे हैं। चीन ने श्रीलंका के अपने कब्जाए हुए अम्बनटोटा पोर्ट पर अपने गश्ती पोत उतारना शुरू कर दिया है। दूसरी साइड यानी कि अफ्रीका के जिबूती की ओर घेरने के लिए उसने अपना जिबूती नेवल बेस भी एक्टिवेट किया हुआ है। यानी चीन की योजना है कि वो पानी के रास्ते भारत को घेर लेगा और ये काम उसके लिए आसान होगा बजाय उत्तर पूर्वी सीमा के। लेकिन दोस्तों, चीन को शायद इस बात का पता नहीं था कि भारत बेहद सीक्रेट तरीके से इस जोन के अंदर भी ऐसी तैयारी कर चुका है जिसकी कल्पना भी चीन ने कभी नहीं की होगी। भारत यहाँ पर छोटे मोटे हथियार नहीं बल्कि ऐसे खूंखार ब्रह्मास्त्र उतार रहा है जिनमें असेंबल की गई अगर एक भी मिसाइल फायर हो गई तो दुनिया में ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ तक वो नहीं पहुँच पाए। फिर दोस्तों, चीन की तो बिसात ही क्या है। इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर जो मिसाइलें भारत डिप्लॉय कर रहा है वो मिसाइलें अग्नि 5 या फिर ब्रह्मोस से भी कई गुना खतरनाक हैं। ऐसे में चीन के माथे पर फिर से पसीना टपकना तय है, क्योंकि यहाँ पर भारत ने बड़ा गेम कर दिया है और ये खेल भारत ने किया है फ्रांस के साथ मिलकर के। और दोस्तों यहाँ पर सवाल ये उठता है कि फ्रांस के साथ मिलकर के भारत ने आखिर ऐसा क्या कुछ प्लान किया है, ऐसी कौन सी डील पक्की कर ली है जिससे अब चीन बिल्कुल डर चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि भारत यहाँ पर फ्रांस के साथ मिलकर के जो कुछ तैनात कर रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे कि आखिर भारत ने ऐसा क्या किया है फ्रांस के साथ कि ऐसी कौन सी तकनीक देने के लिए वो एग्री हो गया है जिससे अब ये पूरा का पूरा खेल बदल चुका है। तो दोस्तों समंदर में चीन की इरादों को बर्बाद करने के लिए भारत ने वो मिसाइल डिप्लॉय करने की सोची है जिसकी रेंज ही 12,000 किलोमीटर से ज्यादा है और इसका नाम है K5 मिसाइल। लेकिन ऐसा कैसे होगा? दरअसल भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर के एक दो नहीं बल्कि 6 परमाणु पनडुब्बियां तैयार करने का प्लान रेडी किया है जिन्हें SSN पनडुब्बी कहा जाता है। ये सौदा समंदर के नीचे भारतीय नौसेना की क्षमता को 2 गुना इजाफा करने वाला होगा। इतने नहीं दोस्तों, जो पनडुब्बियां फ्रांस के साथ भारत बना रहा है इनके अलावा 4 बेहद खतरनाक पनडुब्बियां और बनाई जा रही हैं जिन्हें SSBN पनडुब्बियां कहा जाता है। दोस्तों फिलहाल भारत के पास इस तरह की पनडुब्बी है जिनको INS अरिहंत कहा जाता है।
और दोस्तों भारत जो परमाणु पनडुब्बियां बना रहा है वो सारी की सारी न्यूक्लियर पावर्ड हैं, यानी कि ये परमाणु संचालित पनडुब्बियां हैं। दोस्तों इन चारों पनडुब्बियों में 12 से 24 तक K-15, 6 से 8 तक K-4 SLBM मिसाइलें तैनात हो सकती हैं, साथ ही 6 टॉर्पीडो ट्यूब्स और 12 चार्जेस लगे होंगे। दोस्तों ये पनडुब्बियां पानी के अंदर 44 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती हैं, जबकि सतह पर ये 12 से 28 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 300 मीटर की गहराई तक जा सकती हैं। इनको भारतीय नौसेना स्ट्रेटेजिक स्ट्राइकर न्यूक्लियर सबमरीन बुला रही है। दोस्तों इतना ही नहीं बल्कि भारत 3 S-5 क्लास की बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन और बना रहा है। ये 15,500 टन डिस्प्लेसमेंट की होंगी, ये भी परमाणु ईंधन से संचालित होने वाली हैं। इनमें दोस्तों 12 से 16 K-6 MIRV मिसाइलें तैनात होंगी, जिनकी रेंज 10 से 12,000 किलोमीटर तक होने वाली है। इनके अलावा 5 से 6,000 किलोमीटर वाली K-5 मिसाइलें भी इनके अंदर लगाई जाएंगी। इस तरह भारत करीब 27 घातक पनडुब्बियां डिप्लॉय कर रहा है, जो चीन को अलग ही लेवल पर टेंशन दे रही है। हालांकि दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं कि फ्रांस भी भारत को SSBN टेक्नोलॉजी वाली सबमरीन देने के लिए पूरी तरह से एग्री हो चुका है, यानी इसके जरिए भारत बैलिस्टिक मिसाइल भी दाग पाएगा। हालांकि भारत ऐसी पनडुब्बियां खुद भी बना रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि फ्रांस भारत को यह तकनीक दे रहा है। और दोस्तों इसका कारण है अमेरिका की ऑकस डील, जिसे दोस्तों फ्रांस बहुत ही ज्यादा खफा हो चुका था और उसने भारत के साथ में इस डील के बाद में ही दोस्ती बढ़ाना स्टार्ट किया है। दरअसल दोस्तों हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की दादागिरी को खाक करने के लिए अमेरिका ने ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर के एक बड़ा प्लान तैयार किया है, जिसमें दोनों ये देश मिलकर के ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन देंगे। इसमें अमेरिका चीन को जवाब देना चाहता है। फ्यूचर में चीन जब भी अमेरिका के खिलाफ माहौल बनाएगा, तब अमेरिका इन पनडुब्बियों के जरिए चीन पर दबाव बना सकता है। युद्ध हुआ तो तुरंत प्रभाव से हमले की योजना भी यहां से बनाई जा सकती है। इसमें दोस्तों भारत का भी इनडायरेक्टली फायदा है कि इन पनडुब्बियों के जरिए चीन पर दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि दोस्तों भारत के साथ यहां बड़ा गेम ये हो गया कि अमेरिका ने इसके लिए भारत को नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया को चुना। और यहाँ पर दोस्तों दूसरा एक मामला ये हुआ कि ये सभी की सभी सबमरीन ऑस्ट्रेलिया पहले फ्रांस से खरीदने वाला था, लेकिन अमेरिका ने अड़ंगा लगाया और ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की डील को रद्द करवा दिया। इस वजह से फ्रांस अमेरिका से अच्छा खासा नाराज हो गया और इस नाराजगी में फ्रांस ने डील जो है वो भारत के साथ में कर ली। अब दोस्तों फ्रांस भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में ताकतवर बनाने के लिए बहुत सारी पनडुब्बियां और उनकी टेक्नोलॉजी देने के लिए फुल्ली एग्री हो चुका है।